गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी के ऊपर। आज हमारी फोर्थ क्लास है। फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड क्लास भी इंट्रोडक्शन में गया था, थर्ड क्लास में इनकम किया था। आज हम क्या करेंगे? एक्सपेंस। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना आप सब? एक्सपेंस डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट का है, फिर हमारा जनरल एंट्री लगभग फिनिश हो जाएगा। ज्यादा लेंदी बचा नहीं है, बस खत्म होने वाला है, समझो आप। एक्सपेंस, अब एक्सपेंस को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। सर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे? बिल्कुल बच्चे, एक्सपेंस को मैं दो पार्ट में लेके चलता हूं हमेशा। एक तो स्पेशली परचेज के लिए है ना, और एक हमारा एक्सपेंस आ जाएगा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, एक परचेज है और एक अदर एक्सपेंस है, ठीक है। अब अगर मैं परचेज की मैं बात करूं तो परचेज दो तरीके के डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या हो सकता है परचेज में? एक हो सकता है गुड्स परचेज, एक हो सकता है गुड्स परचेज, ठीक है, और एक हो सकता है एसेट परचेज, एसेट्स परचेज। हम दोनों पे चर्चा करेंगे, ठीक है, और अदर एक्सपेंस। पहले हम गुड्स परचेज की बात करते हैं। फ्लो चार्ट आपने रजिस्टर में बनाना है, ये फ्लो चार्ट, ठीक है। तो गुड्स परचेज के अंदर तीन तरीके के टॉपिक्स हो सकते हैं। तीन तरीके के टॉपिक हो सकते हैं। एक हो सकता है कैश में या चेक में परचेज, एक हो सकता है क्रेडिट में परचेज। और एक हो सकता है कैश एज वेल एज क्रेडिट, यानी बोथ कैश एंड क्रेडिट। तीन जर्नल एंट्रीज की देखेंगे हम, और इसी से रिलेटेड सारा होगा, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट है, नोट्स भी बनाने हैं आपने इसी तरीके से। सेम एसेट्स परचेज में होगा हमारा कैश, और एक होगा क्रेडिट, और एक होगा एक्सचेंज वाला भी देख लेंगे हम, ठीक है। अब ये सारी जनरल एंट्री जो एक्सपेंस की करेंगे, कैसे करेंगे? विद जीएसटी या विदाउट? तो जवाब है सर, ये तो विद होगा हमारा, है ना। चलो, ये फ्लो चार्ट नोट करने के साथ साथ अब हम यहाँ जनरल एंट्री में पॉइंट वाइज पॉइंट करता जाता हूँ। पॉइंट नंबर वन किसके लिए कर रहा हूं मैं? इसके लिए एंट्री लिखा मैंने गुड्स परचेज फ्रॉम राजा, गुड्स परचेज सीधा लिख देते हैं डायरेक्टली, गुड्स परचेज रुपीस 6,000, गुड्स परचेज रुपीस 6,000 एंड जीएसटी 12%, है ना। गुड्स रुपीस परचेज 6,000 एंड जीएसटी 12%। तो आपको पता है, सबसे पहले तो मैं वर्किंग नोट करके दिखाऊंगा। अब आप बताइए, ये जीएसटी कौन सा है? आपका सीजीएसटी है या एसजीएसटी है या आईजीएसटी है? सर इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। जब कभी भी जीएसटी बोला जाएगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी रहेगा, ठीक है ना बच्चे? हाँ जी। वर्किंग नोट कैसे करेंगे? 6,000 रुपए पहले हम इसमें प्लस करेंगे। अब परचेज पे कौन सा होगा बताओ? जीएसटी। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इसके ऊपर हमारा कौन सा होता है? इनपुट। इनपुट, और इनपुट जीएसटी क्या होता है हमारे लिए? हमारे लिए इनपुट जीएसटी होता है एसेट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए परचेज बात करते हैं। 6,000 तो हम ऐड करेंगे पहले इनपुट, इनपुट सीजीएसटी 6%, हाफ हो जाएगा रेट, तो 3,600, 360।
प्लस इनपुट एस जी एस टी, ये भी 360, दोनों को मिला दिया जाए तो 720 ये आ गया। अब इस साइड में मैं इसकी जर्नल एंट्री कर रहा हूं। कुछ बच्चों का होमवर्क मैंने देखा है वो फॉर्मेट में नहीं कर रहे, मैं उनको रिमाइंड कर रहा हूँ, जो बच्चे फॉर्मेट में नहीं कर रहे साफ सुथरा उनको दोबारा बोलूंगा मैं करने को, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं कर रहे, जैसे कि मैं मान लू बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक जैसे कि एक है रिभव, उसने फॉर्मेट में नहीं किया तो मैं रिमाइंड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब रूल बताऊं या पहले नहीं बताऊं, बताओ रूल बताना है। चलो बता देते हैं रूल, एक परचेज के ऊपर इंपैक्ट आएगा, एक कैश के ऊपर इंपैक्ट आएगा, एक जीएसटी पे इंपैक्ट आएगा। परचेज एक्सपेंस है तो क्या होगा ये बताओ, ये डेबिट होगा। कैश क्या है, हमारा एसेट, बट एसेट्स को आप ध्यान से सोचो कि कम होगा या ज्यादा, जब पेमेंट करेंगे तो कम होगा, तो यहां पे क्या होगा हमारा, ये क्रेडिट होगा। और जीएसटी क्या है, हमारा एसेट, और यहां कम ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा, डेबिट, है ना। मिल गया जवाब आपको। चलिए जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टू कुछ नहीं बोला तो कैश अकाउंट, अमाउंट डालते हैं। गुड्स परचेज हमारा कितने का होगा, गुड्स परचेज में जाएगा हमारा 6000, इसके ऊपर जीएसटी दिया मैंने 360, और यहां पे आ जाएगा 6720 का पेमेंट है। बिंग, गुड्स परचेज बाय कैश, ठीक है। फर्स्ट एंट्री मैंने इसके लिए करा है, बताओ कोई डाउट, समझ में आया पूरा। इसके भी मैं असाइनमेंट दूंगा, इसी के अकॉर्डिंग करना है जिस तरीके से मैं दूंगा। क्लियर है यहां तक? जी सर क्लियर है। तो फटाफट से इसको नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, नोट करिए जल्दी जल्दी। फिर क्रेडिट वाला कर लेंगे, फिर दोनों वाला कर लेंगे। नोट करिए, नोट कर लिया, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो, आपके पास तो फैसिलिटी है ही है। वीडियो क्लासेस में, जिसको वर्चुअल क्लासेस भी कहते हैं, वर्चुअल क्लासेस में तो यही फायदा है हमारा, ठीक है ना। चलो मिटा दे, हाँ सर मिटा दो, चलो ये लो मिटा दिया, मिटा दिया, सिर्फ आपके कहने पे मिटाया मैंने, नहीं तो मैं मिटाता नहीं आज। ओके सर, सर और कोई एंट्री बिल्कुल कराएंगे ना, सेकंड एंट्री इसके लिए, और यहां पे भी डाल देते हैं सेकंड पार्ट, आपने भी ऐसे ही नोट करना है, आपके पास तो रजिस्टर है, बहुत पेज है, तो आपको मिटाना नहीं है इसको, आप कर देते हैं 10,000, ठीक है। गुड्स परचेज ₹10,000 फ्रॉम रामू, अब बताओ ये कैश पे है या क्रेडिट पे, बताओ। गुड्स परचेज किया है ₹10,000 का फ्रॉम रामू, तो कैश पे हुआ या क्रेडिट पे हुआ, तो आंसर सर ये जो है ये होगा हमारा किस पे, कैश पे या क्रेडिट पे, क्रेडिट पे, ये किस पे होगा, क्रेडिट पे। क्यों भाई क्रेडिट पे, सर नाम आ गया ना, बिल्कुल सही जवाब। चलिए वर्किंग नोट, परचेज कितने का किया, प्लस कर देते हैं इनपुट सीजीएसटी, थोड़ा मिक्स कर देते हैं इसको, आईजीएसटी कर देते हैं, है ना,
इनपुट IGST और ये आ जाएगा 12% 1200, तो 11200। अब बताओ क्या क्या इस पे इंपैक्ट आया। एक तो परचेज पे इंपैक्ट है, जो एक्सपेंस है और डेबिट होगा। ये मैं हर बार बताता हूं ताकि आपको ना याद हो जाए कि ये लॉजिक समझो कि इससे ऐसे ऐसे हो रहा है ना। दूसरा हमारा जीएसटी है, IGST जिसे है वो एसेट है, तो इट शुड बी ऑल्सो डेबिट। और तीसरा क्या है, क्या है नेम, उधार माल खरीदा है तो लाइबिलिटी देना है ना क्रेडिटर, इट शुड बी क्रेडिट। चलिए एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, आपको फॉर्मेट में ही करने हैं। अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट, और क्या आएगा भाई, और क्या आएगा, टू टू नेम रामू, रामू अमाउंट 10,000, 1200, 11200 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रामू, ठीक है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम रामू। कोई परेशानी बताओ फटाफट से। नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, जल्दी जल्दी नोट करो, विजुअल है प्रॉपर आपको, नोट करिए। जी सर थोड़ा जूम कर देते हैं ना, आपको दिख नहीं रहा शायद। चलो आप बढ़िया एकदम, नोट करिए जल्दी 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 नोट करिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में जल्दी जल्दी सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करिए। लॉजिक कर लिया आपने, हटाते हैं इसे। यस सर इसे हटा दो। ओके ये लो आपके कहने पे हटाया मैंने। अब थर्ड कौन सा टॉपिक करेंगे जल्दी जल्दी बताओ, थर्ड कौन सा करेंगे जल्दी बताओ। सर थर्ड जो करेंगे ये वाला करेंगे ना, थर्ड ये वाला, बिल्कुल सही जवाब। मैंने लिखा गुड्स परचेज रुपीस रुपीस 6,000 फ्रॉम राजू 50% पेड बाय चेक एंड जीएसटी 12%। ठीक है वर्किंग नोट। सबसे पहले सामान कितने का परचेज किया, परचेज किया हमने 6,000 का, इस पे लगेगा हमारा इनपुट CGST 360, इस पे लगेगा इनपुट SGST 360, टोटल 7,267,20, टोटल 6,720। अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे है ना, इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट, एक हो जाएगा कैश और एक हो जाएगा क्रेडिट। जितना पार्ट उसने चेक से पेमेंट कर दिया वो कैश ही है। ये लो आप बोल रहे हो सर चेक है, कोई बात नहीं बैंक लिख दिया, ये लो हैप्पी बैंक। इसका आधा करना है हमें, तो क्या आ जाएगा हमारा 3,360,
और 3360, ठीक है, जनरल एंट्री। अगर मैं यहाँ 40% करता तो इसका 40% और इसका 60, अगर 1/4 करता तो 1/4 और बाकी बचा हुआ इधर, ठीक है ना। चलिए जनरल एंट्री, क्या क्या इंपैक्ट किस किस पे पड़ेगा? एक परचेज, एक पड़ेगा हमारा बैंक, एक पड़ेगा हमारा नेम, एक जीएसटी। जीएसटी तो एसेट है, ये क्या होना अगर जनरल एंट्री में डेबिट। नेम लाइबिलिटी है तो जनरल एंट्री में कहां जाएगा? क्रेडिट। बैंक एसेट है लेकिन ये बैंक ना कम होगा, डिक्रीज होगा, तो इसलिए क्या होगा? क्रेडिट। और परचेज एक्सपेंस है तो इट शुड बी डेबिट, ठीक है। तो देखो यहां पे जो डेबिट वाले आइटम दो हैं और क्रेडिट वाले आइटम भी दो हैं, तो पहले डेबिट वाला लिख लेते हैं। क्या क्या डेबिट वाला? परचेज, तो परचेज अकाउंट, डेबिट, ठीक है। और डेबिट क्या होगा? जीएसटी इनपुट, सी जीएसटी। और क्या होगा? इनपुट, एस जीएसटी। दो डेबिट वाले हो गए हमारे। अब क्रेडिट में क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। और क्या होगा? क्रेडिट नेम टू राजू। परचेज कितने का? 6,000, 360 एंड 360। ये रहा ना कैलकुलेशन, देख रहे हो ना। अब बैंक में कितना जाएगा भाई? बैंक के अंदर जाएगा हमारा 7, बैंक में हमारा ये रहा 336, 3360, और यहाँ 3360। लो जी जनरल एंट्री कंप्लीट। आपने फॉर्मेट में ही करना है, कसम खा लो। फॉर्मेट में नहीं करोगे तो देख लेना कम नंबर आ जाएंगे एग्जाम में। फॉर्मेट में ही करना है, ठीक है। तो बीइंग ये आप लिखोगे, परचेस गुड्स फ्रॉम राजू, ठीक है। चलिए अब इसको भी नोट करिए, ये वाला पोर्शन खत्म। देन हम आएंगे अब एसेट्स के ऊपर। जल्दी जल्दी नोट करिए। नोट करिए फटाफट से, कर रहे हो ना नोट? अरे कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेने की सोच रहे हैं, नोट करो इसे, बाद में लेना स्क्रीनशॉट। जी सर, कर लिया। ओके, हमारे सारे बच्चे होशियार हैं, सभी बच्चों ने कर लिया है। अब चलिए टिक टिक मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं। सर सब मिटा दो। ओके, आपने बोला इसलिए मैं सब मिटा रहा हूं। गुड्स का काम खत्म। अभी हमने ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है इसमें। अब एसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब एसेट्स के अंदर भी क्या रहेगा बताओ? एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एसेट्स भी कैश पे भी हो सकता है, क्रेडिट पे भी हो सकता है। एक आज ना मजेदार करूंगा एक एसेट्स के अंदर। एसेट्स में हो सकता है हमारा एक कैश में, एक हो सकता है क्रेडिट में, एक हो सकता है कैश एंड क्रेडिट, नगद थोड़े थोड़े से उधार, और मजे की बात एक हो सकता है एक्सचेंज में, एक्सचेंज में, ठीक है। चार चार टॉपिक करेंगे, एक्सचेंज वाला भी देखेंगे आज। चलिए पहले कैश वाले की एंट्री करते हैं। मैंने बोला फर्नीचर, परचेज ₹4,000 एंड
IGST 10%, ये लो जी। जनरल एंट्री करके दिखाएं, बिल्कुल सर करके दिखाओ, ये लो जनरल एंट्री। पहले वर्किंग नोट। हाँ सर, वर्किंग नोट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग नोट। फर्नीचर कितने का खरीदा सर? वो तो 4,000 का खरीदा, प्लस आप पेमेंट कर रहे हैं तो इनपुट IGST 400 रुपये, कितने हो गए? 4,400। एंट्री इंपैक्ट तो बताओ सर, नई एंट्री सिखा रहे हो, इंपैक्ट नहीं, ये लो यहां लिखता हूं। देखो फर्नीचर है, ये इसी के नीचे लिख देता हूं ना, एक तो फर्नीचर है इंपैक्टेड, और किस पे फर्क पड़ा जी? एक पड़ा कैश के ऊपर और एक जीएसटी के ऊपर। फर्नीचर एसेट से डेबिट, कैश एसेट से, लेकिन कैश तो जाएगा तो डेट्स वाई क्रेडिट, जीएसटी एसेट से तो डेबिट। देखो दो डेबिट वाले आ गए। फर्नीचर खरीदा है तो अब परचेज अकाउंट नहीं लिखना आपने, जब कभी भी कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उसी एसेट्स के नाम से एंट्री करेंगे। तो यहां पे लिखने जा रहा हूं मैं फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर में 4,000, यहां 400 रुपये है ना, और 4,400 रुपये बींग गुड्स परचेज, गुड्स नहीं, फर्नीचर परचेज, परचेज फर्नीचर परचेज। ठीक है, अब नोट करिए फटाफट, फटाफट से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, टाइम नहीं लगना चाहिए नोट करने में। कर लिया नोट जी सर? सर आपने तो बहुत टाइम दे दिया इसमें। अच्छा अगले में देखो, कैश के बाद अब आ जाते हैं क्रेडिट वाले पे, क्रेडिट वाले पे लिखा मैंने मशीनरी, मशीनरी परचेज फ्रॉम पी क्यू आर लिमिटेड रुपीज 1 लाख एंड पिछली बार में शायद IGST लिखा था ना, तो एक बार देख लेना कि IGST था CGST, वो मेरे दिमाग से निकल गया। एंड IGST 10%, ठीक है, एंड IGST 10%। IGST सर CGST करो ना, चलो लो जी CGST या SGST हम कर देते हैं CGST 5% एंड SGST 5%। लो बात तो वही है जी सर। यहां करते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, मशीनरी 1 लाख रुपए प्लस इनपुट CGST प्लस इनपुट SGST। इनपुट कितने का? 5% मीन्स 5,000, नाउ 1,10,000। क्लियर?
ये वर्किंग नोट। अब इसके हम इम्पैक्ट को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या जाएगा, किस पे खरीदा है भाई, किससे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, यस सर क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे खरीदा है तो नेम क्रेडिट होगा। अरे बड़ा मोटा मोटा चल रहा है, मेरा मार्कर को क्या हो गया आज, ये एसेट सेट तो डेबिट होगा, ये भी एसेट से तो डेबिट होगा, बस। तो यानी एक क्रेडिट और एक डेबिट। चलिए सर करके दिखाते हैं, चलो मशीनरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू पी क्यू आर लिमिटेड। मैंने यहां थोड़ा सा पॉज करके बोला क्योंकि जब किसी कंपनी से खरीदेंगे तो उसी कंपनी का नाम आएगा, आपको ये ध्यान रखना है, जब कभी किसी कंपनी से खरीदेंगे तो उस कंपनी का नाम आएगा, ठीक है ना। तो टू पी क्यू आर लिमिटेड, ये लो जी सर, अमाउंट तो डाला ही नहीं। अच्छा ये लो 1 लाख 10 हजार और जीएसटी 10 हजार, टोटल उसको देने हैं 1 लाख 10 हजार। बीइंग क्या होगा मैं बता देता हूं, लिखना आपने है, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम पी क्यू आर लिमिटेड, ठीक है ना। चलिए नोट करिए अब इसको, इसके बाद ये खत्म टॉपिक लो, कितना आसान टॉपिक था ये, जल्दी जल्दी नोट करिए। सर कर लिया, ओके कर लिया सर, ओके सर, रुको रुको, नहीं रुकना, अब बोल दिया आपने कर लिया तो मतलब कर लिया, ठीक है। अगले पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, ये सीक्वेंस में लिखना आपने, स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर में, पहले चार्ट बना लिया, उसके बाद फर्स्ट उसका उसके नीचे जनरल एंट्री, फिर सेकंड उसका उसके नीचे जनरल एंट्री, ऐसे चार्ट बनाना, ठीक है। मैंने बोला और एक दो एसेट्स का नाम बताओ सर, फर्नीचर ही खरीद लो, फर्नीचर या मोटर कार खरीदते हैं ना, मोटर कार, मोटर कार परचेज फ्रॉम होंडा रुपीस 10 लाख एंड सीजीएसटी, अब आईजीएसटी लगाते हैं, IGST 10% फिफ्टी परसेंट, 50% की जगह पे मैं और वर्ड यूज कर रहा हूं, हाफ हाफ अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। 50% यानी हाफ अमाउंट पेड कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज, करते टाइम पे हमने 50% पेड कर दिया। अच्छा सर वर्किंग नोट देखिए, ये भी तो बड़ा आसान है, परचेज कितने का किया, 10 लाख प्लस इनपुट आईजीएसटी लगेगा ना, अरे बोलते क्यों नहीं, इनपुट क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, कितने लगेंगे, 10%, देखो मैंने लिखा है ना 10%, तो 10% लगेगा, तो 10% का मतलब 10 लाख पे 1 लाख रुपए, टोटल 11 लाख, इसके दो टुकड़े होंगे, अब एक जाएगा कैश में,
एक जाएगा क्रेडिट में, कैश में चला जाएगा 50%, मतलब 5,50,000, और क्रेडिट में भी 50%, मतलब 5,50,000, ठीक है, 50% मतलब 5,50,000 रुपए। जनरल एंट्री देखते हैं, मोटर कार खरीदा है तो एसेट्स का नाम आएगा मोटर कार। इसको एक काम करता हूं मैं, ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं, मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार के बाद और क्या क्या इंफेक्टेड होगा, देखो एक तो मोटर कार है, एसेट से डेबिट हो गया, एक जीएसटी है एसेट से, इट शुड बी डेबिट, एक नेम है, नेम क्या है होंडा, इट शुड बी क्रेडिट, और एक कैश भी दिया है हमने एसेट से, तो इट शुड बी क्रेडिट। चलो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू होंडा, होंडा अकाउंट और टू कैश, बस ये आएगा 10 लाख, ये आएगा 1 लाख और ये आएगा 5,50,000 और ये भी आएगा 5,50,000। चलिए बीइंग आपने लिखना है, बीइंग क्या हो सकता है, मोटर कार परचेज, ठीक है, बीइंग क्या होगा, मोटर कार परचेज, ठीक है। चलिए अब इसको भी एक बार नोट करिए, फिर एक्सचेंज वाले को देखेंगे हम। अब एक्सचेंज वाले को देखना है, एक्सचेंज कर लिया नोट, सर थोड़ा टाइम दो इसमें, ओके ये लो नोट करो आराम से। सर कर लिया, डन। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सचेंज के नाम से लिखा है उसको करेंगे, ये लो मिटा दिया आपने, डन, तो हमने भी डन है ना। चलो एक्सचेंज, सबसे पहले एक्सचेंज का मतलब समझते हैं, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। सपोज करो आप हो ये कौन है, ये है यू, और आपके पास एक ओल्ड मशीनरी है, एक ओल्ड मशीनरी है, इसमें भी काफी सारे पॉइंट्स होंगे, कॉम्प्लिकेटेड भी पॉइंट आएंगे, मैं सिंपल लेके चल रहा हूं थोड़ा पहले। और इस मशीनरी की कीमत 10,000 है, आप दुकान में गए, दुकान में गए, एक नई मशीनरी आपने पसंद किया, न्यू मशीनरी पसंद किया, और बोला भैया भैया ये मशीनरी कितने का है, दुकानदार ने बोला भैया ये मशीनरी है 20,000 रुपए का। आपने पूछा अच्छा 20,000 रुपए का, क्या एक्सचेंज वगैरह नहीं होगा, तो बोला गया हाँ एक्सचेंज हो जाएगा ना। मैंने बोला मेरी मशीनरी है 10,000 रुपए की, देखो जी देखो मेरी मशीनरी 10,000 रुपए की है, इसको एक्सचेंज करो ना। उसने बोला ठीक है ले आओ, तो 10,000 रुपए एक्सचेंज में चले गए। अब पेमेंट कितना हुआ बताओ, पेमेंट हुआ ओनली 10,000 रुपीज पेड, यही हुआ होगा ना। आपने कितने दिए होंगे, 10,000, 20,000 की मशीनरी खरीदने गए,
जब 20 की मशीनरी खरीद रहे हो और 10 पेमेंट ही कर रहे हो, तो पेमेंट एक्चुअल कितना किया जी? पेमेंट किया 10,000 ही तो किया, ठीक है? या 10,000, 10,000 में कंफ्यूज हो गए, ये लो हमारे बच्चे तो इतने होशियार है ना, ये लो 5,000। अब खुश, पेमेंट कितना किया? 5,000। सर एक बार लिख दो और फिर करो कि स्टेटमेंट लिखो। ओके, न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000, कितनी कॉस्टिंग है? 20,000। परचेज बाय एक्सचेंज ओल्ड मशीनरी ₹10,000 बस, एंड IGST 10%, ठीक है? बोलो समझ में आया या नहीं आया? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया आपको? जी सर समझ में आ गया। चलो वर्किंग नोट समझ में आ गया। तो मशीनरी वो तो माना जाएगा 20,000, जीएसटी तो हम 20 पे ही लगाएंगे या 10 पे, 5 पे लगेगा, बताओ? जीएसटी हम 5 पे लगाएं, क्योंकि आपने नई मशीनरी खरीदा कितने का है? आपने पेमेंट कम दिया है लेकिन नई मशीनरी 20 का ही है, तो इनपुट IGST 2,000, ठीक है? इनपुट IGST 2,000। नाउ दो पार्ट, एक्सचेंज में कितने रुपए कम हो गए? सर एक्सचेंज में कम हो गए 10,000। पेड कितना करेंगे फिर? सॉरी 15, 15 ले गए थे ना एक्सचेंज में। पेड कितना करेंगे? ₹7,000। सर समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या क्या कर दिया अपने, बड़ी मुश्किल एंट्री कर दी। सिंपल देखो, एक नई मशीनरी जिसकी कीमत, कॉस्टिंग का मतलब जिसकी कीमत कितने का था? 20,000 खरीद लिया आपने, जी सर खरीद लिया 20,000। बाय एक्सचेंज ओल्ड मशीनरी 10,000, और आपने पुरानी मशीनरी से बदल दिया। ओहो सर यहाँ 10 और वहां 15, ओके आप इसके लिए बोल रहे थे 15, ठीक है? एंड IGST 10%। सिंपल सर लॉजिक है, 20 का मशीनरी था, जीएसटी पूरे पे ही लगेगा जितने की कॉस्टिंग होती है, तो 2,000 लग गया 10%। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कैसे लगा, परसेंटेज सिखाए ना बहुत जगह सिखाए, तो इसी का 2,000। अब आपके 15,000 तो इन शॉर्ट कम ही हो गए एक्सचेंज के वजह से, तो अल्टीमेटली पेमेंट कितना करके आओगे? 7,000। यहां पे तो सर 5 लिखा था, तो जीएसटी नहीं लगाए ना भाई, जीएसटी भी तो दोगे आप, क्यों नहीं समझते बात को? सर क्यों गुस्सा होते हो, समझ गए ना? समझ गए। चलिए जर्नल एंट्री, इंपैक्ट क्या होगा, इंपैक्ट जानना जरूरी है। एक है मशीनरी, एक है ओल्ड मशीनरी, ये न्यू है, एक है कैश और एक है जीएसटी। जीएसटी तो एसेट्स डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। ओल्ड मशीनरी एसेट्स है, लेकिन ओल्ड मशीनरी क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ, जाएगा या आएगा? हम तो दे के आ जाएंगे, तो इट शुड बी ऑल्सो क्रेडिट, एंड न्यू मशीनरी डेबिट। ओके एंट्री, मशीनरी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने का मशीनरी खरीदा? सर मशीनरी तो 20,000 का खरीदा है, और इनपुट IGST डेबिट 2,000। टू कैश तो मैंने दिए 7,000, और टू ओल्ड मशीनरी 15,000। लो जी लो, एंट्री डन। और भी करेंगे हम एंट्रीज के ऊपर, लेकिन आगे एडवांस क्वेश्चन में आएंगे तब करेंगे, ठीक है? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, कैश ओल्ड मशीनरी, बताओ कोई डाउट? अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? सर नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया एकदम अच्छे से। ओके स्टूडेंट, नोट करिए, इसके बाद एक छोटा सा बहुत चुद्दू सा टॉपिक है,
और इस छोटे से टॉपिक को हम क्या करेंगे, फटाफट से निपटा देंगे, फिर हमारा आज का क्लास का कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म, एक्सपेंस जर्नल एंट्री, फिर अगली क्लास में ट्रेड डिस्काउंट करेंगे। तो जल्दी जल्दी नोट करिए, नोट करिए। सर आपने ट्रेड डिस्काउंट आज नहीं कराया, करेंगे ना अगली क्लास में करेंगे, नोट करिए। करिए करिए सर, कर लिया कर लिया। ओके ये लो जी, मिटा दिया। और इसके साथ साथ ये वाला टॉपिक समाप्त। अब कौन सा टॉपिक करेंगे, अभी बताते हैं ना, एक्सपेंस वाला। ठीक है, एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस में क्या क्या हो सकता है, पहले पॉइंट लिख देते हैं। रेंट पेड ₹6,000 और ऊपर डाल दिया सब पे जीएसटी है 10%, सब पे है। अब आपको दिमाग लगाना है, सैलरी पेड 2,000, डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं, कमीशन या इंटरेस्ट पेड ₹5,000। फोर्थ नंबर, कमीशन पेबल ₹1,000। पेबल समझ रहे हो, एक्सपेंस लाइबिलिटी भी इसमें, मैंने एसेट्स नहीं लिखा, एक्सपेंस एज वेल एज लाइबिलिटी भी डाल देता हूं। ओहो डाल दो सर, लाइबिलिटी भी, ये लो। ठीक है, ओके। पहली एंट्री वर्किंग नोट, ये तो बड़े सिंपल सिंपल है। रेंट 6,000 है ना, इसमें प्लस इनपुट आईजीएसटी, सिर्फ जीएसटी है तो पहले सीजीएसटी कितने परसेंट, 10%, तो 5 हो जाएगा, ₹300। प्लस इनपुट एसजीएसटी ₹300, टोटल 6,066 रुपये। जर्नल एंट्री बता दो। लो जी देखो सर, आप रेड मार्कर से लिखो, अब बहुत टाइम हो गया, काले मार्कर से। एक्सपेंस है, डेबिट होगा, मैं बताता जा रहा हूं, आपको तो पता चलेगा ही। और ये एसेट है तो डेबिट होगा, ये भी एसेट्स है तो डेबिट होगा, और ये पेड किया है तो एसेट्स कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। लो जी लो, समझ आ गया सर, बिल्कुल समझ आ गया। अब जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं आपको हम। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। रेंट में जाएगा 6,000, ₹300, ₹300 और 6,600। बताओ कोई डाउट सर, बीइंग में डाउट। लो जी, बीइंग रेंट पेड ₹6,600। ठीक है, 6,000 लिख दो, ऑल दो आप लिख सकते हो। चलो सर पहले को डन, दूसरा सैलरी पेड, इसका क्या करेंगे, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट टिक 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 टिक, वर्किंग नोट कितने बच्चे करते हैं, 2 मिनट देता हूं।
करके दिखाइए आप सर। सैलरी इस पे बताइए जीएसटी कितना होगा, आपको जीएसटी बताना है। सर जीएसटी 10%, 200 रुपए, 100 रुपए सीजीएसटी और 100 रुपए एसजीएसटी। एकदम गलत जवाब। सैलरी पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, बताया था ना जीएसटी के टाइम पे तो लगेगा ही नहीं, तो कोई वर्किंग नोट नहीं है सर। एग्जाम में तो अभी हम गलत कर देते हैं। सैलरी सिंपल, अकाउंट डेबिट टू 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 कैश अकाउंट। बीइंग सैलरी पेड, सबकी बीइंग की जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाला है मैंने, ये बोझ आपके कंधे पे डाला है, आपको ये लिखना है सबके बीइंग। और रजिस्टर भेजोगे तो मैं सबसे पहले बीइंग बीइंग चेक करूंगा। चलिए सेकंड भी डन, थर्ड पे आते हैं, है ना। इंटरेस्ट पेड 5000। होमवर्क होमवर्क, इस पे भी जीएसटी 10% है। कमीशन पेबल तो देना बाकी है, वर्किंग नोट कर लेते हैं। सर कमीशन दिया तो नहीं है, जीएसटी लगेगा भाई लगेगा। कमीशन 1000 प्लस इनपुट सीजीएसटी 100 रुपए प्लस इनपुट एसजीएसटी। सर गलत कर रहे हो। ओके 50, ठीक है अब। जी सर, जनरल एंट्री ये क्या है, पेड है या नहीं है, ये है पेबल। तो आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री याद होगी, सेम उसी प्रकार से करेंगे हम। कमीशन अकाउंट डेबिट, डेबिट 1000 रुपए, इनपुट आईजीएसटी 100 रुपए, सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। ओहो 50 है सर। ओके टेस्ट कर रहा था आपको। टू आउटस्टैंडिंग कमीशन लिख दो या कमीशन पेबल। इलेवन हंड्रेड नाउ नोट करिए, ठीक है। एक्सपेंस भी खत्म, एसेट्स भी खत्म, परचेज भी खत्म। अब परचेज रिटर्न की तो एंट्री करेंगे ही करेंगे, हम अलग से कॉन्सेप्ट बना के करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, आप इसको नोट करिए। और बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जिस तरीके से आज आपने पढ़ाई करी है पूरे जोश के साथ आएंगे और अगली क्लास में रिवाइज करेंगे। और आपसे एक रजिस्टर भी बनवाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, उस रजिस्टर को नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा। अगली क्लास का कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रेड डिस्काउंट करना, और विद कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट विद कैश डिस्काउंट अगली क्लास में करके हम उसे फिनिश्ड कर लेंगे, ठीक है। और कोशिश रहेगी 2 घंटे की क्लास हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होने वाला है, ठीक है। अब इसको पहले नोट करिए फटाफट से, बिल्कुल फुर्ती में। करिए नोट। बाय बाय स्टूडेंट, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट क्लास। और याद रखना अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में होमवर्क भेजना है आपने। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। रिमोट कहाँ गया मेरा, ये रहा।